दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपको अपने मकान के लिए कम खर्चे में मजबूत एवं टिकाऊ सेप्टिक टैंक का निर्माण करना है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आरसीसी का पाइप है, इसका आंतरिक डायमीटर है 24 इंच, मीन्स दोस्तों 2 फीट। साथ साथ बात करें इसकी मोटाई की तो आप देख सकते हैं 2 इंच की इसकी मोटाई है। और इसकी लंबाई की भी बात करें दोस्तों तो आप देख सकते हैं इसकी डेप्थ कितनी है पाइप की, यह है दोस्तों 80 इंच, मीन्स 6 फीट 8 इंच जो है इसकी लंबाई है। दोस्तों यह टैंक जो है एक छोटे हाउस के लिए, मीन्स जो है 1 BHK का आपका हाउस है उसके लिए सबसे पर्याप्त है। तो इसे किस प्रकार से बनाया जाता है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है और कम खर्च में कैसे निर्माण कर सकते हैं, यह सारी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देंगे। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं यह जो प्लॉट का साइज है 1200 स्क्वायर फीट है, मीन्स दोस्तों आप देख सकते हैं 2 प्लॉट यहां पर लगे हुए हैं और दोनों ही जगह इस प्रकार के टैंक बनाए जा रहे हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं इसके लिए 2 पाइप की रिक्वायरमेंट होती है आरसीसी के, कुछ इस प्रकार से आपको पाइप लाना होगा। यह पाइप दोस्तों मार्केट में अलग अलग साइज के उपलब्ध हो जाते हैं। हमारे पास यह जो पाइप है इसका आंतरिक डायमीटर है 2 फीट का और लेंथ की बात करें तो दोस्तों इसकी लेंथ आपने देखी ली है 6 फीट 8 इंच की टोटल इसकी लेंथ है। तो इस प्रकार के पाइप को आपको मार्केट से खरीद कर लेकर आना है। यह जो पाइप है आपको मार्केट में 4000 रुपए का मिलेगा, मीन्स दोस्तों आपको 2 पाइप की रिक्वायरमेंट होगी, आपको 8000 रुपए इस पाइप में खर्च करने पड़ेंगे। और दोस्तों बताना चाहता हूँ इसके साथ कुछ नॉमिनल खर्चे होते हैं, इसे बनाने में कितने खर्चे लिए जाते हैं, कितना मैन पावर लगता है, यह भी हम आगे आपको फाइनली बताएंगे ताकि आपको यह पता चल जाए कि इसकी कुल कॉस्ट कितनी आती है। आप देख सकते हैं यह जो पीवीसी का पाइप है इसका आंतरिक डायमीटर कितना है 4 इंच का है। यह दोस्तों बीच में जॉइंट किया जाएगा, आप देख सकते हैं जब 2 पाइप को जोड़ा जाता है तो यह 4 इंच के पाइप से जोड़ा जाता है। आप चाहो तो 5 इंच का भी ले सकते हो, आपकी सहूलत के अनुसार है, लेकिन यहाँ पर जो है यह 4 इंच के पाइप से इसको जॉइंट करेंगे ताकि दोनों टैंक एक दूसरे में कनेक्ट हो जाए, जॉइंट हो जाए और किसी प्रकार की समस्या देखने को ना मिले। दोस्तों इस प्रकार के टैंक को बनाने के लिए सबसे पहले आपको मिट्टी में खुदाई का कार्य कंप्लीट करना होगा, मींस आपको 2 गड्ढे खोदने होंगे और दोस्तों मार्केट में नॉमिनल चार्जेस लिए जाते हैं गड्ढे खोदने के। और आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ब्रिक बेड्स जो होते हैं, छोटे छोटे ईंटों के जो टुकड़े होते हैं, यह दोस्तों इसके अंदर डालने होते हैं ताकि नीचे जो मिट्टी है उसके ऊपर जो है ईंटों के टुकड़े आ जाए और हम कॉम्पेक्शन करके प्रॉपर नीचे बेस बना दे ताकि जब हम कंक्रीट डालेंगे तो किसी प्रकार का सेटलमेंट ना हो। दोस्तों अच्छे से कंक्रीट जो है सेट हो जाए और नीचे से दोस्तों पाइप अच्छे से पैक हो जाए, उसमें किसी प्रकार के लीकेज और सीपेज की प्रॉब्लम ना बने। और दोस्तों आप देख सकते हैं यह जो यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक कर रहे हैं, यह इसलिए कर रहे हैं कि इन दोनों पाइप को हम यहाँ से जॉइंट कर लेंगे ताकि जो एयर होगी दोस्तों, जो एयर वेंट होगी यहाँ से क्या होगी दोस्तों, ट्रांसफर हो जाएंगे एक पाइप से दूसरे पाइप में और दूसरे पाइप से हम वहाँ पर क्या करेंगे, एयर वेंट पाइप दे देंगे। दोस्तों इस प्रकार से आपको कार्य करना है। यहाँ पर आप 3 इंच का जो है एयर वेंट जो है दे सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार के टैंक को बनाने के लिए मार्केट में कुछ स्पेशल बंदे होते हैं, कुछ मैसन होते हैं, मिस्त्री होते हैं जो इसी टैंक को बनाने के लिए कार्य करते हैं। और दोस्तों उनके कार्य में इतनी अच्छी क्वालिटी होती है कि उनके जॉइंट कभी भी लीक नहीं होते, आपके टैंक में किसी प्रकार की समस्या देखने को नहीं मिलती है। तो अगर आपको कार्य करवाना है तो सबसे पहले दोस्तों अच्छे मिस्त्री का चयन करें ताकि इस प्रकार के जब भी जॉइंट करें तो वहाँ पर वो अच्छे से दोस्तों जॉइंट कर पाए, वहाँ किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। इसके बाद दोस्तों बात करें जब इस टैंक को आप प्रॉपर अच्छे से कंप्लीट कर लोगे, ऊपर से जब ये एयर वेंट पाइप के लिए जो है ज्वाइंट कर दोगे तो उसके बाद आपको जो है नीचे जो आपने कनेक्ट किया है दोनों टैंक को, वहां पर दोस्तों एक आपको पीवीसी का पाइप लगाना है। तो किस प्रकार से आपको दोस्तों वहां पर सावधानी रखनी है, उसे कैसे ज्वाइंट करना, यह भी आप स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए ताकि अगर आपका मिस्त्री इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं तो आपको दोस्तों उसे गाइड करना है ताकि वह अच्छे से कार्य कर सके, आपके कार्य में किसी प्रकार की समस्या देखने को ना मिले। तो इसके बाद बात करें दोस्तों इन आरसीसी के पाइप को ज्वाइंट कैसे करें, यहां पर एक विशेष रूप से आपको ध्यान देना है कि जो पाइप की टॉप सरफेस होती है वहां से आपको नीचे 3 फीट नीचे जाना है और वहां पर आपको एक होल बनाना है। होल दोस्तों आपको सावधानी के साथ बनाना है ताकि जैसा आप चाहते हो होल वैसा ही बने। यहां पर आप देख सकते हैं हमने जो होल बनाया यह 4 इंच का बना हुआ है, दोनों पाइप में आपको होल बनाना है, एक सीध में बनाना है ताकि दोस्तों जब आप पीवीसी का पाइप वहां पर लगाओ तो प्रॉपर दोस्तों वह जो है वहां पर प्लेस हो जाए, वहां पर लग जाए, वहां पर जो है किसी प्रकार की समस्या ना आए। दोस्तों इसके बाद आपको M20 ग्रेड का कंक्रीट बनाकर कुछ इस प्रकार से पाइप के गैप्स में फिल करना है। यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ जो पीवीसी का पाइप लगाया है उसके ऊपर 3 फीट की हाइट है, वहाँ तक दोस्तों आपको अच्छे से कॉम्पेक्शन के साथ कंक्रीट को फिल करना है ताकि जो पाइप है वहाँ लूज ना रहे, वहाँ जितना भी आपने जो तोड़ा फोड़ी करी थी वहाँ पर कंक्रीट अच्छे से चला जाए और दोस्तों दोनों पाइप आपस में अच्छे से ज्वाइंट हो जाए। यह दोस्तों आपको अच्छे से करना है क्योंकि यह विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अगर आपने ज्वाइंट अच्छे से नहीं किया तो दोस्तों आपको यहाँ पर सीपेज और लीकेज की प्रॉब्लम देखने को मिलती है।
तो कुछ इस प्रकार से आपको RCC के मटेरियल से ही वहाँ पर ज्वाइन करना है। दोस्तों जब आपका यह कार्य कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको क्या करना होगा, जो PVC का पाइप आपने लगाया है उसके साइड में छोटे छोटे गैप्स होंगे, उन्हें दोस्तों आपको मसाले के साथ फिल करना है। कुछ इस प्रकार से सीमेंट और सैंड का मसाला बनाना है, 1:1 का रेशियो आपको रखना है। और दोस्तों डायरेक्ट फिंगर से नहीं बनाना है, आपको ग्लव्स का उपयोग करना है, थोड़ा सा ड्राई बनाना है ताकि मसाले को आसानी से दबा दबा कर अच्छे से फील कर सको। यहाँ पर एक मुख्य रूप से बात बताना चाहता हूँ, यह जो मिस्त्री है इन्हें 35 वर्षों का अनुभव है इसी प्रकार के टैंक को बनाने का। जब इनसे हमने पूछा क्या भैया क्या जॉइंट में किसी प्रकार की समस्या अब देखने को मिलेंगी, तो इन्होंने कहा मैं 35 सालों से जो है इसी प्रकार के टैंक को बना रहा हूँ और मेरे द्वारा बनाए गए टैंक में अभी तक किसी प्रकार की समस्या देखने को नहीं मिली है। अगर जॉइंट्स को अच्छे से मसाले के साथ फिल किया जाए तो किसी प्रकार की समस्या देखने को नहीं मिलती है। यह दोस्तों 35 वर्षों के अनुभव के साथ यह बात बोल रहे हैं। तो इसी प्रकार के कार्य से ही आपका कार्य अच्छे से हो पाएगा। आप कोई भी टेम्परेरी कार्य कभी ना करें ताकि आपके टैंक में सीलन की और सीपेज की प्रॉब्लम देखने को मिले, इवन आपका टैंक फेल हो जाए और आपका जो पैसा है पूरा का पूरा जो है दोस्तों पानी में चला जाए। तो यह ध्यान रखें, इसी प्रकार से आपको कार्य करना है। दोस्तों इसके बाद आपको इन दोनों पाइप के अंदर जो है M15 ग्रेड का कंक्रीट बनाकर बेस में डालना है। जो आपने ईंटों के टुकड़े डाले थे उसके ऊपर आपको 4 इंच की मोटाई में कुछ इस प्रकार से कंक्रीट को डालना है और दोस्तों कंक्रीट को अच्छे से कॉम्पेक्शन के साथ प्लेस करना है। कुछ इस प्रकार से आप जो है कॉम्पेक्शन कर सकते हैं, कंक्रीट को लेवल कर सकते हैं। यह जो है आपको दोनों पाइप के अंदर करना है ताकि नीचे से कंक्रीट जो है अच्छे से प्लेस हो जाए और नीचे से पाइप को अच्छे से पैक किया जा सके। इसके बाद दोस्तों आपको सीमेंट की स्लरी बनाकर टैंक के अंदर वाली सतह पर कुछ इस प्रकार से डालना है और टैंक को 2 दिन के लिए छोड़ देना है। उसके अंदर किसी प्रकार का पानी आपको फिल नहीं करना है। 2 दिन के बाद पूरे टैंक को पानी से फिल करना है, भर देना है और आपको यह चेक करना है कि टैंक में किसी प्रकार का लीकेज तो नहीं है। अगर नहीं है तो इसमें इनलेट और आउटलेट का कनेक्शन आपको कर देना है और टॉप में आपको कंक्रीट का कवर लगा देना है, उसमें आपको वेंट पाइप दे देना है, आपका टैंक बनकर रेडी हो जाएगा। इस टैंक को बनाने में हमें 12,000 रुपये लगे हैं। दोस्तों आपके एरिया में यह अमाउंट थोड़ा सा वेरी कर सकता है लेकिन इसके आसपास ही अमाउंट होगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा और अधिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।